नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप अपना रोल नंबर पता करना चाहते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे, तो सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप देख पाएंगे हर रोज़ एक नई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूपी बोर्ड की होम ऑफिशियल वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ हम डाल देते हैं UPMSP रिजल्ट 2021। आप इस होम ऑफिशियल वेबसाइट को डाल देंगे या इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए, ये रही होम ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से हम इसे ओपन करेंगे। तो ये देखिए, होम ऑफिशियल वेबसाइट माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो इसमें देखिए, होम ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुई है, तो इसमें आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद ये देखिए, यहाँ दे रहा है हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 के परीक्षार्थियों द्वारा अपना अनुक्रमांक जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए, आपको अपना पंजीकरण संख्या यानी एनरोलमेंट नंबर स्कूल से आपको दिया गया होगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और फिल करने के बाद सर्च रोल नंबर ये कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोड आ रहा है, स्कूल कोड आ रहा है, रोल नंबर ये देखिए ये आ चुका है, और यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने डाला था वो शो हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये रोल नंबर दिखाई दे गया है, आप इस रोल नंबर को अपना नोट कर लेंगे। इसके बाद आपको दोबारा इसी होम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जाने के बाद आपको इसके परीक्षा फल पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद देखिए, आपको हाई स्कूल का सबसे पहले अपना चेक करना है, तो हाई स्कूल पे आपको क्लिक कर लेनी है। और यहाँ देखिए, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोड यानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना जो रोल नंबर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद प्राप्त हुआ है, उसको आपको यहाँ फिल कर लेना है। फिल करने के बाद देखिए, आपको व्यू रिजल्ट कर लेना है। तो ये देखिए, हाई स्कूल क्लास 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये देखिए मेरा रिजल्ट ओपन हुआ है, रोल नंबर, कैंडिडेट नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और देखिए रिजल्ट पास का आ रहा है। इसी तरह से हम दोबारा से इसी होम ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और यहाँ से हम अब इंटर का रिजल्ट भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इंटर का रिजल्ट आप रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं, सिर्फ आपको रोल नंबर दिया गया होगा स्कूल के द्वारा, आप रोल नंबर से चेक करेंगे। तो देखिए, मैं दोबारा से इसी को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ परीक्षा फल पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए, इंटरमीडिएट कक्षा 12th का परीक्षा फल, इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना 9 नंबर का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है और व्यू रिजल्ट कर लेना है। तो देखिए, ये मेरा रिजल्ट ओपन हुआ है, पास सेकेंड डिवीज़न शो कर रहा है। या फिर आप इस होम ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, या आपको दूसरी वेबसाइट UPResult.NIC से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो देखिए, मैं उस वेबसाइट को भी आपके ओपन करके दिखा देता हूँ, UPResult.NIC.in, इस होम ऑफिशियल वेबसाइट को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स, क्लास 10th का आप रजिस्ट्रेशन से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको सीधा रोल नंबर डालना है, लेकिन आप 12th का यहाँ से रिजल्ट भी खोल पाएंगे। तो आपको क्या कर लेना है, अपना रोल नंबर यहाँ डाल लेना है, या फिर आपको होम ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो मैंने आपको दिखाई थी, उस पर आपको जाके लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।